हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो स्पेशली एनजीओ के लिए है, मस्जिद के लिए, मंदिर के, या कोई भी एंटिटी जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए ऑपरेट कर रही है एंड वो लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट करती है अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। इस वीडियो में मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि जो भी डोनेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो इसमें जो फॉर्मेट दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट की हेल्प से आप अपनी डोनेशन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो एंड कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो आप इस डोनेशन की लिस्ट के बेसिस पे उनको इजीली रिप्लाई कर सकते हो। एंड देखिए, जहाँ आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे एनजीओ को, मस्जिद को, मंदिर को दिक्कत होती है। उनको प्रूफ करना होता है कि लाइक जो भी उनके पास पैसा आ रहा है या उस जिस भी पैसे से ये एनजीओ रन कर रही है तो उसका सोर्स क्या है। तो इसकी हेल्प से आप सोर्स को जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा जो पैसा है वो जेन्युइन है एंड कहाँ से आ रहा है। एंड ये मैं रिकमेंड करूँगा सभी को करनी चाहिए, चाहे वो अपना मतलब अब से पहले इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट इन फ्यूचर करना चाहिए। फॉर्मेट बहुत इजी है, इस फॉर्मेट में आपको डोनेशन की डिटेल रिकॉर्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो आप ये स्क्रीन पे देख रही हैं, ये बेसिकली आपका डोनेशन का फॉर्मेट है एक्सेल में। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप अपनी डोनेशन का कम्प्लीट डिटेल रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड ये आपके एक्सपेंसिस एंड इनकम को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। अब मैं इस आपको फॉर्मेट को डिटेल में समझा देता हूँ सो दैट आप भी अपनी डोनेशन की जो डिटेल्स है रिकॉर्ड कर पाओ। सबसे पहले आपको अपनी एनजीओ का नाम लिखना है, इसके बाद इसको कोई चेंज नहीं करना। थर्ड जो आपका है फॉर फाइनेंशियल ईयर, आपको ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का कर रहा हूँ, मतलब मार्च 2023 तक, तो ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा 22-23। इनकेस आपको नेक्स्ट ईयर का करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर है एंड ये जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं ये आपके वो सीरियल नंबर होंगे जब भी आपको कोई डोनेशन देता है तो उस टाइम पे आप उनको कोई स्लिप वगैरह देते होंगे, तो स्लिप में भी आपका सीरियल नंबर होना चाहिए। तो जो स्लिप का नंबर होगा वो सीरियल नंबर आप यहाँ रखेंगे। जनरली स्लिप के नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं तो इसलिए मैंने इसको 1-2-3-5 करके लिखा हुआ है। सेकेंड हमारा कॉलम है नेम ऑफ डोनर, डोनर का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। सेकेंड हो गया आपका डोनर का एड्रेस। देखिए, डोनर का एड्रेस आपको बहुत सही लिखना है एंड इसमें मतलब आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, जितना लॉन्ग हो सकता है लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, मोहल्ला, सिटी एक्सेट्रा आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, स्पेशली यहाँ डोनर का स्टेट हो जाएगा और यहाँ उसका पिन नंबर लिखना है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी टाइप, मतलब जो भी डोनर है उसने आपको पैन कार्ड दिया है या आधार कार्ड दिया है तो आपको जस्ट लिखना है। अगर उसने पैन कार्ड दिया है तो पैन लिखना है आपको, अगर उसने आधार कार्ड दिया है तो आपको आधार कार्ड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलम है आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी मतलब ये हो गया कि जो हमने पैन नंबर उससे कलेक्ट किया उसका नंबर क्या है, पैन नंबर यहाँ लिख देंगे। सेकेंड, जो उसने आधार दिया उसका आधार का नंबर क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलम है जो उसने डोनेशन दिए हैं। देखिए, डोनेशन के दो टाइप हैं, वॉलेंट्री एंड दूसरा हो गया कॉर्पस डोनेशन। दोनों में क्या फ़र्क होता है, फ़र्क ये होता है जो वॉलेंट्री डोनेशन होता है उसका मतलब है कि डोनर ने जब आपको डोनेशन दे दिया अब उसको आप किसी भी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड 99% केसेस में जो डोनर डोनेशन देते हैं वो वॉलेंट्री नेचर का ही होता है। एंड कॉर्पस डोनेशन का मतलब होता है कि अगर डोनर स्पेसिफिक लिख के कुछ दे रहा है, कि जैसे मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए एंड जब भी मैंने दिया मैंने लिख दिया उसमें एप्लीकेशन के साथ कि ये पैसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही यूज़ होगा, या इस पैसे से एम्बुलेंस खरीदी जाएगी, या इस पैसे से आपकी लाइब्रेरी में यूज़ होगा। तो इस टाइप के डोनेशन को जिसमें हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि उसका यूज़ क्या होगा डोनेशन का, वो कॉर्पस डोनेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको उसका लिखना है टाइप क्या है, लाइक वॉलेंट्री डोनेशन है या कॉर्पस डोनेशन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉलेंट्री डोनेशन, मान लो नेक्स्ट वाला ये किसी ने कॉर्पस दिया तो कॉर्पस डोनेशन। तो ऐसे ही आप सभी डोनेशन को वॉलेंट्री कॉर्पस टाइप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम है मोड ऑफ रिसीट। यहाँ हमें डिक्लेयर करना है कि जो हमें डोनेशन मिला है वो कैसे मिला है, लाइक कैश में मिला है या बैंक के थ्रू आया है या पेटीएम आया है, इस टाइप से हमें वो लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा डेट ऑफ रिसीट, मतलब जिस डेट को हमें डोनेशन मिला है वो डेट हमें यहाँ लिखनी है। और ये डेट हमारी जो भी रिसीट हमने उसको दी थी डोनर को और उसका सीरियल नंबर यहाँ लिखा था तो उस रिसीट में डेट भी होती है कि किस डेट को डोनेशन मिला है, तो वो वहाँ से आपको ये डेट ऑफ रिसीट लिखनी है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा कॉलम होगा डोनेशन अमाउंट इन रुपीज़। तो लेट्स सपोज किसी से 2,000 मिले, 2,000 लिख दिए, किसी से 500 लिख दिए,
किसी से लेट सपोज 1000 मिले, 1000 लिख दिए, किसी से 500, 600 लिख दिया, तो इस टाइप से आप अमाउंट भी लिख जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे इस फॉर्मेट को, यहाँ मैंने कंप्लीट डोनर की एंड डोनेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल रिकॉर्ड हो रही है, तो इन फ्यूचर कोई भी आपको डिटेल चाहिएगी तो आप जस्ट इस शीट की हेल्प से ही दे पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस ये शीट आपको डाउनलोड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन केस वहाँ कोई टेक्निकल एरर आती है तो इस फॉर्मेट को आप भी एक्सेल में इजीली बना सकते हो। इन केस आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।